Okay, everyone. So let's start with the next question. That is the causes of low agriculture productivity in India. So मैंने last lecture में question छोड़ा था, right? क्या question था? हम लोगों ने end up किया था lecture का कुछ कुछ question के साथ एक. क्या था वो question? Anyone? कि कंट्रीब्यूशन 13.9 है और सामने एम्प्लॉयमेंट है 49%. जब इतने ज्यादा लोग है इंडिया में, डिपेंडेंसी है इतना ज्यादा एग्रीकल्चर पे, तो कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का नेशनल इनकम में क्यों कम है? व्हाट आर द रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया? क्या हो सकता है, आप में से कोई बता सकता है कौन से ऐसे रीजंस रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है, बहुत लो? यस, एनीवन? इरिगेशन फैसिलिटी. इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपर तरीके से नहीं है. ओके, नेक्स्ट. इनकम कम है उनकी. क्या कम है? इनकम. इनकम कम है. ओके, इनकम कम है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते. अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? ओके, इनकम कम है फार्मर्स की. बाय देयर इनकम इज लो. जब वो कल्टीवेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, देन आल्सो देयर इनकम इज वेरी लो. बाय सो क्यों ऐसा? टेक्नोलॉजी. क्या बोल रहे हो आंसर? Because of land revenue system. हमारे देश में ऐसे कुछ revenue systems चलते थे. Okay. कौन से चलते थे, कोई नाम बता सकता है मेरे को? कौन से ऐसे land revenue systems चलते थे इंडिया में भाई? जमींदारी system. जमींदारी सिस्टम. ओके, और एल्स कोई सिस्टम चलता था? सबको पता है जमींदारी सिस्टम के रिलेटेड थोड़ा बहुत, तो के रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था फार्मर्स से और फिर ब्रिटिशर्स को दिया जाता था. जमींदार जो भी जमींदार होते थे वो लोग कलेक्ट करते थे रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड वो क्या किया जाता था, वो लोग रेंट लेते थे बहुत. हाँ, बहुत ज्यादा रेंट. ज्यादा मतलब इट्स जस्ट लाइक कि पूरा का पूरा ऐसे समझ लो कि मोस्ट ऑफ 75-80% तो पूरा का पूरा क्या चला जाता था, एज अ प्रोडक्शन ही उनको दे देना पड़ता था और वो पूरा प्रोडक्शन जमींदार इसको प्रोवाइड कर देते थे ब्रिटिशर्स को. ये ओके, जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा रेंट वगैरह कलेक्ट करते थे. ओके, any other cause responsible for the low agriculture productivity? Effective government policy. Rural areas. Government policy के बारे में तो क्या कहना, अपने लोगों को सबको पता ही है कि सरकार की defective policy. तो defective policy कैसे? Because agriculture पे focus ही नहीं किया. 1956 से इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस. इंडस्ट्रीज को ग्रो अप करो, इंडस्ट्रीज को ग्रो अप करो. एलपीजी में भी इंडस्ट्रीज को आगे ले आओ भाई, प्राइवेटाइज करो, ग्लोबलाइज करो, लिबरलाइज करो, सब चीजें उसी के रिलेटेड तो आई थी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एलपीजी, हर एक चीज इंडस्ट्रीज के लिए. तो एग्रीकल्चर का कैसे ग्रोथ होगा? ओके फाइन, और कोई रीजन रिस्पॉन्सिबल? रूरल एरियास में रहते थे. टेक्नोलॉजी. रूरल एरिया. टेक्नोलॉजी. क्या बोला आपने कुंजल? रूरल एरियास. क्या रूरल स्ट्रक्चर था इसके लिए? अच्छा, रूरल स्ट्रक्चर मतलब इट्स डाइट लाइक अ ऑर्थोडॉक्स. बस भगवान ने जो दिया जितना दिया, ठीक है ना, उसकी उतनी रहमत. उनके पास स्केयरसिटी भी थी ना. क्या थी उनके पास? स्केयरसिटी.
अच्छा स्केयरसिटी तो थी बट ठीक है, जितना दिया दिया भगवान ने, बस उसमें सेटिस्फाइड हो जाते थे वो लोग, क्यूरियोसिटी नहीं होती थी. ओके और टेक्नोलॉजी, किसने बोला कि टेक्नोलॉजी की भी यस कमी, ट्रैक्टर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्निक्स की कमी एग्रीकल्चर में, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी नहीं हो पा रही थी प्रॉपर तरीके से. यस, हम लोगों ने देखा नहीं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इतने सारे लोग एक ही जमीन पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है. तो वही तो है बात कि लोग तो है बहुत सारे लेकिन पर लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है भाई, और पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज नहीं हो रही है. व्हाई? बिकॉज फार्मर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन मॉडर्न टेक्निक्स बिकॉज ऑफ लो इनकम, बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, बिकॉज देयर लैंड इज ऑन द रेंटल बेसिस. सो व्हाई, क्यों इन्वेस्ट करेंगे वो लोग? अगर आपने घर रेंट पे लिया है तो क्या पीओपी ये वो सब चीजें हम लोग इंटीरियर से बनवाते हैं अपना रेंट वाला घर? नहीं करते ना हम लोग कुछ भी अपने रेंटल हाउस पे. तो सेम एज इट इज फार्मर के पास जो जमीनें होती थी, अभी स्मॉल फार्मर मार्जिनल फार्मर्स के पास जो जमीनें होती थी, कल्टीवेशन तो वही करते थे ज्यादातर, तो उनके पास जो जमीन हो वो तो रेंटल बेसिस पे होगी. अब रेंटल बेसिस पे होगी तो वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे? और अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है तो उन लोगों को लोन लेना पड़ता था. लोन लेने के लिए अलग तरीके से उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता था. फाइनेंसिंग प्रॉब्लम, चलो लोन भी ले लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए भी चलो एक बार तो तैयारी भी हो जाए, बट दे डोंट हैव इवन नॉलेज ऑफ द मार्केट कि व्हाट आर द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द अर्बन एरियाज, क्या प्राइसेस चल रहा है, कैसा मार्केट डिमांड चल रहा है, क्या प्रोड्यूस करना है अपने को, उन सब चीजों के रिलेटेड नॉलेज नहीं. एंड देयर बिहेवियर इज लाइक सुपरस्टिशियस ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड एंड ऑल, दे बिलीव इन फेटालिज्म, राइट? सो भगवान ने सबको, बस भगवान जो करेगा सब अच्छे के लिए करेगा, जितना दिया है उसमें ही सेटिस्फाइड हो जाओ. सो ये सब मेंटेलिटी, ये सब चीजें एक फैक्टर नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए, राइट? सो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. क्यों, व्हाट आर द रीजंस? तो यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, देन तीन फैक्टर्स यहाँ पे बताए हैं, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स, उसको एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, ठीक है? वेट, चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन. इंडिया इज एग्रीकल्चर ओरिएंटेड नेशन, देन आल्सो इट हैज अ मेनी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम. भाई हमारे देश को क्या बोला जाता था, एग्रीकल्चर ओरिएंटेड. तुम लोग बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक से अनम्यूट कर देते. सो इंडिया को एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री कहा जाता है, उसके बावजूद इतनी सारी प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर. सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज द लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. इन रियलिटी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इट कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर, बिकॉज लैंड इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द हेक्टर्स. लैंड को कैसे मेजर किया जाता है, हेक्टर्स. जैसे आपने एक जस्ट लाइक अ मेजरमेंट का तरीका है हेक्टर्स, तो प्रोडक्टिविटी भी उस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है? या तो फिर इनकम पर हेक्टर, एक हेक्टर में कितना इनकम हुआ, ऐसा हम लोग मेजर करते हैं. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वर्ल्ड. दूसरे कंट्रीज से भी, दूसरे कंट्रीज इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज है, जैसे यूएसए हो या क्या, तो उधर भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज्यादा. हम लोग एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो ये तो बड़ी मुद्दे की बात है ना. तो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर डेट आर एस फॉलोस. चलो लिखें, फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल
फैक्टर्स. सेकेंड वन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स एंड द लास्ट वन अदर फैक्टर्स. अब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर आती है चीजें कौन सी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम. मैं ए कर देती हूँ. दिस इज वन टू एंड थ्री. सो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इसके अंदर आता था तीन सिस्टम. जमींदारी सिस्टम, तो अगर जमींदारी सिस्टम को एक्सप्लोर करना हो मेरे को तो मैं छोटा सा एक डायग्राम बना दूं. यहां पे तीन स्टेजेस कर दूं. दीज आर दिस हाइलाइटेड पार्ट कैन बी कॉल्ड एज अ जमींदार्स. यहां पे कल्टीवेटर्स जो कल्टीवेट फार्मर्स और यहाँ पे ब्रिटिशर्स दैट इज बी. मैं बी लिख रही हूँ ब्रिटिशर्स. सो ये ऐसे चार्ट जाता था कल्टीवेटर्स जो थे उनसे जमींदार जो थे वो कलेक्ट करते थे रेंट और वो फिर ब्रिटिशर्स को जाता था. वो कैसे जाता था वो मैं बता रही हूँ आपको. ठीक है बी दैट इज अ रियोतवारी सिस्टम. ये भी एक तरीका है वो भी मैं बता रही हूँ कि सिस्टम क्या था. एंड महालवरी सिस्टम. So, ये तीनों सिस्टम लैंड रेवेन्यू कलेक्शन में ही आते हैं राइट. तो ये अलग लेकिन थोड़ा थोड़ा खाली डिफरेंशिएट है. जस्ट एक सेकेंड ये अभी. नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पे एक लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम. फिर सेकेंड आता है एग्रीकल्चर फाइनेंस. So agriculture finance mostly money lenders ही. जो बड़े बड़े शाहूकार्स money lenders हुआ करते थे वो लोग पूरा का पूरा control करते थे financing. और फिर धीरे धीरे establish हुआ था banks वगैरह का. उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. Third one that is agriculture मार्केटिंग. ठीक है सो इसमें आएगा लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द प्राइसेस ऑफ द गुड्स ऑफ द क्रॉप्स. हम लोग लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग नहीं होती थी. प्रॉपर तरीके से स्किल्स नहीं होते थे. नॉलेज मतलब रिलेटेड टू द डिमांड मार्केट डिमांड रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं. तो ये सब चीजें यहाँ पे हम लोग पालेंगे अंदर. ठीक है एंड द लास्ट वन दैट इज रूरल सोशल स्ट्रक्चर. ठीक है तो चार चीजें इसके अंदर आई. अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर पहला चीज आएगा दैट इज ट्रेडिशनल मैथड ऑफ फार्मिंग. दूसरी चीज लिख सकते हैं हम लैक ऑफ इरिगेशन. फिर आ जाएगा लैक ऑफ पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स. या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग के पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स का जो यूसेज होता था वो कम होता था. ऐसा सब कुछ हम लोग लिख सकते हैं. ये चीजें इसके अंदर लिखेंगे हम लोग टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में. और अदर फैक्टर्स में है हाँ इसमें आएगा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में मैं इधर लिख देती हूँ कि वी आर यूजिंग काउ डंग एज अ मैन्योर. काउ डंग एज अ मैन्योर मतलब फर्टिलाइजर्स की जगह पे वी आर यूजिंग काउ डंग. मतलब ये
टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में ये सब चीजें आएंगी. अदर फैक्टर्स में सबसे पहला पॉपुलेशन प्रेशर, एंड द सेकेंड वन डिफेक्टिव प्लानिंग, या फिर हम लोग लिख सकते हैं डिफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज. डिफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है. सो दिस इज, ये सारे फैक्टर्स आएंगे इसके अंदर, सारे के सारे, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल. अगर ये 5 मार्क का आता है पूरा, कॉजेस ऑफ द लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, तो ये सारी चीजें हम लोगों को बतानी पड़ेगी, ठीक है. सो ऐसे चार्ट, दिस इज एक्चुअली द चार्ट ऑफ कॉजेस ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ठीक है. चलो तो स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. तो यहाँ पे मोस्टली इंस्टीट्यूशनल के रिलेटेड ही चीज, मतलब इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बताइए, क्योंकि देखो जैसे जमींदार्स और फिर एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग मंडी लैंडर्स, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूट्स, इसके रिलेटेड ही सारे फैक्टर्स. सो देखो क्या लिखा है, द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज फार्मर्स हु वर्क इन द इंस्टीट्यूशंस एंड आर फेल्ट इन अ फिजिकली सोशली इकोनॉमिकली एंड लीगल फैक्टर्स आर द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स. सच फैक्टर्स आर नेगेटिव इन इंडिया. सो फिजिकल यहाँ पे पर्टिकुलरली सोशली इकोनॉमिकली और लीगल चारों फैक्टर्स को यहाँ पे ध्यान दिया है. सोशल तरीके से एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल तरीके से एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन और लीगल तरीके से भी एक्सप्लॉयटेशन, सब तरीके से एक्सप्लॉयटेशन इसके अंदर दिखाया है. ड्यू टू दैट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज वेरी लो और ऑफ अ वेरी लीस्ट लेवल, देयरफॉर लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर बीइंग सीन. सो जमींदारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम, रेवतवारी सिस्टम आर द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, इसके बारे में डिटेल कर रही हूँ मैं. इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिशर्स, सो अलग अलग ब्रिटिशर्स ने ये सब सिस्टम स्टार्ट किए थे डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, राइट. जमींदारी सिस्टम 1733 के आसपास कुछ स्टार्ट हुआ था, महालवारी सिस्टम कुछ 1823 या कुछ समथिंग 18 कुछ आसपास शुरू हुआ था, 18 कुछ समथिंग. फिर रेवतवारी भी ऐसा ही 1829 के आसपास कुछ स्टार्टअप हुआ था, आई थिंक सो. हाँ मैं अंदाजा बता रही हूँ जस्ट ऐसे जस्ट. सो मुझे जमींदारी सिस्टम याद है 1733, महालवारी सिस्टम एंड रेवतवारी सिस्टम आप सर्च आउट कर सकते हो गूगल से, तो मैं फटाफट यहाँ पे हेड मतलब डाल ही दूं कि हाँ भाई ये ईयर में फटाफट करो तो महालवारी सिस्टम और रेवतवारी सिस्टम एक सेकेंड में पता चल जाएगा. गूगल आउट करो जल्दी, कब इंट्रोड्यूस हुआ महालवारी सिस्टम, ये तो 1733 मुझे पता है. ब्रिटिशर्स जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और रेवतवारी सिस्टम भी कोई ब्रिटिश मैकेंजी कुछ समथिंग करके नाम है उसने इंट्रोड्यूस किया था, और महालवारी सिस्टम भी कुछ ब्रिटिशर्स का कोई. मैं महालवारी सिस्टम ब्रिटिश एम्पायर लिखा है, ब्रिटिश एम्पायर लिखा है, ब्रिटिश एम्पायर में भी यहाँ पे पर्टिकुलर है ना, उस ब्रिटिश का नाम भी दिया हुआ है इवन महालवारी सिस्टम में. या तो मैं आपके साथ हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी महालवारी सिस्टम में 1822 है ना, ओके. हाँ हॉल्ट मैकेंजी 1822 और रेवतवारी सिस्टम 18 कुछ समथिंग, वो भी 1820 मतलब 29 कुछ समथिंग ही है ऐसा निकालो. 1820 ओके. सो 1820 में रेवतवारी सिस्टम और महालवारी सिस्टम 1822, ठीक है. सो हम लोग ये पढ़ते हैं, पूरा समझते हैं कि क्या है एक्चुअली. सो ये चीज, फिर फैसिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, लैंड ओनरशिप सिस्टम, ये सब चीजें हमारे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में आती है. दीज इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स रिमेन रेजिस्टेंस और नेगेटिव, या तो वैसे के वैसे ही रहे और या तो और ज्यादा नेगेटिव में हुए. सो ड्यू टू दिस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हैज रिमेन्ड लो, ठीक है. तो ये सब चीजें थी. अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, दैट इज अ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम. तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम में सबसे पहले आ जाओ जमींदारी सिस्टम. जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, जिनकी जमीनें होती थी दे कैन बी कॉल्ड एज अ जमींदार्स और लैंडलॉर्ड्स, ठीक है.
जो जमींदार होते थे वो क्या करते थे, वो रेंट कलेक्ट करते थे किससे, कल्टीवेटर से जो कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, तो वो रेंट कलेक्ट करते थे। और इसका कैसे होता था बताऊं मैं, जितना भी कलेक्शन होता था, जितना भी, सुनना ध्यान से सुनना ये चीज, जितना भी कलेक्शन होता था उसका टोटल 11 पार्ट्स में उसका डिवीजन होता था। कितने पार्ट्स में डिवीजन होता था, 11 पार्ट्स में डिवीजन होता था जितना भी कलेक्शन हो। एक हिस्सा जाता था जमींदार को, बाकी का 10वां हिस्सा जो जाता था वो ब्रिटिशर्स को जाता था। मतलब जमींदार को फायदा होता था कितना, खाली 1/12% खाली, जितना मतलब आप सोचो सिर्फ 11 में से एक हिस्सा किसको दिया जाता था, जमींदार को, बाकी का हिस्सा ब्रिटिशर्स को। तो ये टोटल 11 पार्ट्स में वो कलेक्शन जितना भी होता था उसको डिवाइड किया जाता। व्यूहवादी सिस्टम में क्या होता था, सीधा का सीधा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट जो होती थी ब्रिटिश की, वो पूरा का पूरा डायरेक्ट कलेक्ट करती थी टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट कलेक्ट करती थी टैक्स। तो वो लैंड के अकॉर्डिंग टैक्स कलेक्ट करती थी, कि अगर ड्राई लैंड है तो उनसे 50% टैक्स, और अगर इरिगेटेड लैंड है जैसे वेट लैंड है, मतलब पानी वाली लैंड वगैरह काफी अच्छे से है, तो उनसे 60% टैक्स। सो स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश स्टेट गवर्नमेंट सीधा डायरेक्ट कलेक्ट करती थी फ्रॉम द फार्मर्स। रियोतवारी सिस्टम में ऐसा था। महालवारी सिस्टम में क्या होता था, मतलब महल दैट कैन बी कॉल्ड एज अ हाउस, राइट, महल हम लोग बोलते हैं ना, वो पूरा ऐसे विलेज, मतलब विलेज जो भी पूरा ओन करता था, मतलब जो भी हेड होता था विलेज का, वो हेड क्या करता था, वो एक 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 जने से कलेक्ट करता था टैक्स वगैरह, ये जो कलेक्शन होता था वो एक एक जने से कलेक्ट करता था, और जो पूरे विलेज का हेड होता था ना उससे ब्रिटिशर्स कलेक्ट करते। महालवारी सिस्टम में ऐसा था, मतलब तीनों तरीके थोड़े थोड़े डिफ्रेंशिएटेड है तो क्या, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम के ही पार्ट्स, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाली डिफरेंस है। अभी जमींदारी में जमींदार से ब्रिटिशर्स लेते थे, रियोतवारी में डायरेक्ट कलेक्ट करते थे, वो जो कैसी लैंड है क्या उसके बेसिस पे उनका टैक्स होता था। तो ड्राई अगर लैंड होती थी तो 50%, वेट लैंड हो, इरिगेटेड वाली लैंड हो तो उसे 60%। महालवारी में जो विलेज का हेड होता था उससे लिया जाता था, ठीक है। तो बस खाली से तरीके थोड़े थोड़े डिफरेंट है, बाकी है तो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, ठीक है, समझ में आ गया तीनों आपको। जमींदारी सिस्टम मैंने, हमने ईयर भी लिख लिए है, 1733 में ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ जमींदारी सिस्टम ईस्ट इंडिया कंपनी में, रियोतवारी सिस्टम 1820 और महालवारी सिस्टम 1822, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो आपके बुक में तो वैसे भी नहीं लिखा हुआ है ये ईयर्स, अगर आपको याद करनी हो, आपको लिखना हो और प्रेजेंटेबल आंसर बनाना हो तब कर सकते। चलो देखो क्या लिखा है, थ्री रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, दैट इज अ जमींदारी सिस्टम, महालवारी सिस्टम एंड रियोतवारी सिस्टम, वर प्रेवेलेंट ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस। टेनेंट्स ऑफ द लैंड, टेनेंट मतलब जिसको बाड़े पे जमीन दी हुई है, राइट, जिसको रेंट पे जमीन दी हुई है, दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ टेनेंट, और जिसने दी है उसको बोलते थे जमींदार, और या तो लैंडलॉर्ड, ठीक है, तो या तो लैंडलेस लेबर्स। वर कल्टिवेटिंग द लैंड, the land under these systems, a large share of crop or just by leaving a subsistence level of the farmer, the entire crop was compulsory taken by the landlords as a rent of the land. So, देखो उनके पास पैसे तो नहीं होते थे, but वो पूरे के पूरे crops ले लेते थे जमींदार्स, फिर वो ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने का काम करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो चाहिए होते थे ना रॉ मटेरियल के तौर पे सारे क्रॉप्स वगैरह सब कुछ, तो वो मतलब पूरा का पूरा ऐसे समझ लो पूरा का पूरा एज अ ले ही लेते थे 70-80% जितना, तो बाकी जितना बचता था वो सिर्फ फार्मर्स के लिए सेल्फ कंजप्शन जितना बचता था, बाकी तो एज अ रेंट उनको दे देना पड़ता था। तो अभी उनके पास बचा क्या, सेल्फ कंजप्शन जितना या थोड़ा सा बचा, अब थोड़ा सा वो मार्केट में बेचने जाएंगे तो उनको करेक्ट प्राइस भी तो मिले ना उसका, तो प्राइस मिलेगा नहीं तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, मेरे को बताओ कैसे होगा इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्टिविटी जब बढ़ानी है तो कैसे बढ़ेगी, कुछ तो होना चाहिए ना, उसके पास कुछ बचना तो चाहिए फार्मर के पास। तो ये मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर जो बिल्कुल लैंडलेस लेबर्स होते थे, तो ऐसे सब लोगों के साथ क्या किया जाता था, ब्रिटिशर्स के टाइम से ही एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, इस तरीके के सिस्टम्स प्रिवेल किए जाते।
So this was the reason why farmers were not interested in increasing the productivity. और एक ये भी रीजन आ जाता था कि भाई रेंट पे है जमीन, सो क्यों इंटरेस्ट देंगे वो, क्यों कुछ भी इन्वेंट करेंगे, कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे, कुछ इनोवेट करेंगे, क्यों? क्योंकि उनकी जमीनें भी रेंट पे होती थी और कुछ बचता भी नहीं था उनको, तो उनकी इच्छा भी नहीं होती थी कुछ करने की. जैसा चल रहा था ठीक है, उनको खाने के लिए मिल रहा था, बस खा लेते थे वो लोग, ऐसा ही हाल था. As they did not make efforts to increase the production or they were not ready to implement any innovations, so the agriculture production remains about stagnant. So our agriculture production jaise to ruk hi gaya tha. So as a result, agriculture production did not increase as per the nation's requirement. So jitni population samne badhti ja rahi thi, jitni nation ki demand thi, requirement thi, uske hisab se agriculture production nahi badh raha. And not according to the requirement of cultivators. So जो cultivators भी चाह रहे थे वो भी नहीं बढ़ा था, क्योंकि एक ये भी reason आ जाता है कि सामने cultivation तो करे चलो, लेकिन कुछ ऐसे climatic condition, monsoon के ऊपर उनका dependency होता था आधे से ज्यादा, irrigation proper पानी facility नहीं होती थी, then fertilizers अच्छे amount में नहीं होते थे या क्या, तो वो कैसे करेंगे बताओ. Pesticides जो use करने चाहिए वो नहीं proportion में use होते थे. तो there are various factors, बहुत सारे factors है जिसकी वजह से low agriculture productivity. So as a result, agriculture production did not increase as per the nation's requirement and not according to the requirement of the cultivators. So after independence, to protect the tillers, tillers means who tilling the land, who cultivate the land, that can be called as a tillers, and to control the rent of the land, मतलब आजादी के बाद 1951 से जैसे ही प्लानिंग करना स्टार्ट किया था ना इंडिया ने, फाइव ईयर प्लान्स वगैरह, तो उस वक्त से ही है ना ये जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना, खत्म करना, ऐसा सोचा, ऐसा इम्प्लीमेंट करने का लॉज बनाए, सब कुछ किया, लेकिन तो भी प्रॉपर तरीके से ये चीज नहीं हो पाई, मतलब फेल हो गया वैसे समझो. तो द टिलर्स लैंड एक्ट और इसके अलावा भी बहुत सारे लैंड सीलिंग एक्ट, ऐसा बहुत सारी चीजें, अबॉलिशमेंट ऑफ द जमींदारी सिस्टम, ऐसे एक्ट्स पास किए थे जिसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया. सो बट दिस एक्ट वॉज नॉट कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड एंड ड्यू टू दैट फार्मर्स आर नॉट एक्सप्लॉयटेशन फ्री एंड फाइनली द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर बिकम्स सीरियस इशू. सो बहुत ज्यादा सीरियस इशू बनता चला गया. ठीक है, सो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम खत्म हुआ. नेक्स्ट आ जाता है एग्रीकल्चर फाइनेंस. So majority of the farmers are facing poverty in India and they are needing agriculture finance to buy fertilizers, seeds, pesticides, etc. They require finance to do cultivation. But since independence, a great role is played by the private money lenders. Isme bataya hai 71.6%. Main yahan pe likh deti hu 71.6%. पूरा का पूरा जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करता था वो ये लोग प्राइवेट मनी लेंडर्स प्रोवाइड करते थे. और आपको पता है प्राइवेट मनी लेंडर्स किस तरीके से, वो चिट्ठी चलती थी पहले, भाई चिट्ठियां देते थे, फिर चिट्ठी विट्ठी अगर गुम हो जाती है या कुछ हो जाती है तो भाई उनको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे करते जाने का, और बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता था. So 71.6% agriculture finance business was managed by this money lenders in 1951, and they were providing finance at the very high rate of interest. Not even that, they were doing manipulation of accounts to exploit the poor farmers. So garbar karte the accounts mein bhi, kuch upar niche kar dete the. Fir batao aapko jaise होता है ना कि एक महीने के लिए पैसा लिया हो इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, फिर एक महीने के बाद अगर आप पैसे नहीं दे पा रहे हो तो इंटरेस्ट रेट डबल हो जाएगा भाई, आपको इंटरेस्ट और ज्यादा देना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ऐसा बहुत ज्यादा चलता था, ऐसे पीढ़ियों पे पीढ़ियां, पीढ़ियों पे पीढ़ियां ऐसे चलती आती थी इंटरेस्ट देने के लिए. प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़ो, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ता था, कंपाउंडेड होता जाता था बहुत ज्यादा. और सामने फार्मर्स लिटरेट नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको दिमाग भी नहीं चलता था. तो हम लोगों ने वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ी थी, पुअर फार्मर्स बोर्न इन अ डैप लिव्स इन अ डैप एंड डाइज इन अ डैप.
ऐसी हालत होती थी बेचारों की. बट यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में बताया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज नेशनलाइज्ड बैंक व्हिच हैज रिड्यूस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी लेंडर्स. सो इम्पोर्टेंस कम हुआ, गवर्नमेंट ने एक्सपांशन किया जैसे इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के लिए, कैसे नाबार्ड एस्टैब्लिश की, सो रीजनल रूरल बैंक्स एस्टैब्लिश की, RRBs 1975. ये याद करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है, क्या नाबार्ड That is 1982. ठीक है, so ये years आपको याद होने चाहिए क्योंकि MCQ में पूछते हैं. Full form of NABARD भी पूछा जाता है. That is a national bank. NA for national, B for bank, A for agriculture and RD for rural development. So national bank for agriculture and rural development. So ये startup किया गया. और इवन बहुत सारी खेती बैंक्स और कोऑपरेटिव्स एंड ऑल ये सब कुछ भी स्टार्टअप किए गए थे, बट धीरे धीरे. ठीक है, तो 1982 में नाबार्ड और RRB 1975 से बहुत सारी रीजनल रूरल बैंक, हर एक जगह पे रीजनल रूरल बैंक स्टार्ट की गई. तो जिससे फार्मर्स को फाइनेंसिंग मिला जाए, वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जितना हो सके, और इवन रूरल डेवलपमेंट भी हो सके. तो देखो एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, पूरे ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट के लिए, भाई रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल एरियाज में डेयरीज, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब चीजों के रिलेटेड भी सब किया जाता था. हाँ, सिर्फ फार्मिंग नहीं. सो ड्यू टू ऑल दीज एफर्ट्स द रोल ऑफ मनी लेंडर्स फेल डाउन टू 27% ओनली. इसी का पहले देखो 72 जितना परसेंटेज था उसी का ही उल्टा कर दो, क्या हो गया 27 हो गया. ये याद करना इजी है. बिफोर मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पर मनी लेंडर्स का जो रोल चलता था वो कितना चलता था, 72% जितना. उसी का क्या हो गया, रिवर्स हो गया, 27 हो गया परसेंटेज. ठीक है, सो याद करना आसान है इसको. वेयर रिमेनिंग एंटायर एग्रीकल्चर क्रेडिट इज मैनेज्ड बाय इंस्टीट्यूट्स. सो ये इंस्टीट्यूट्स मैनेज करने लगी. तो तभी ये इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में बता रहे हैं. So these factors prove that farmers are paying higher cost to avail credit and due to their revenue or profitability remain very low. So ye money lenders ye bahut bada exploitation karte the na, isi wajah se agriculture productivity low rehti thi, but dheere dheere in sab ka startup kiya gaya. As profits are very low, farmers are not much interested to improve productivity. Kyunki dekho money lenders kya karte the, बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे जिसकी वजह से इनको प्रॉफिट बचता ही नहीं था. कुछ प्रॉफिटेबिलिटी जैसा कुछ था ही नहीं. बचना तो ठीक है, कुछ होना तो चाहिए ना. तो वो लोग इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते थे कुछ इन्वेस्ट करने में, या कुछ पेस्टिसाइड यूज करने में, या अच्छे सीड्स वगैरह यूज करने में. तो देयरफॉर इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या हो गई थी, लो. ठीक है, और इवन आपको देखो अभी कॉजेस समझा रहे हैं. ठीक है, ये वाले इसमें पर्टिकुलरली तो आपको मेजर्स भी बताएंगे. मेजर्स में ये दोनों बातें फिर से कहेंगे. मेजर्स में ये सब चीजों को रिवर्स करना है, इसको हटाओ, एग्रीकल्चर फाइनेंस में इनको ले आओ, फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट होगी, फिर ये रूरल सोशल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस ले आओ. सबको ये जितनी भी चीजों में कमी दिखा रहे हैं ना, उन सबको पॉजिटिव वे में लेके जाना है. जस्ट खाली मेजर्स के अंदर, स्टेप्स के अंदर, कि भाई सरकार क्या स्टेप्स उठानी चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े. तो अगर ये समझा हुआ होगा ना, तो वो आंसर आप आसानी से लिख सकते हो. ठीक है, सो मैं आज इतना ही करवा रही हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड बाकी का पार्ट, रूरल सोशल स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा. और मैं इवन ये भी स्टार्ट कर दूंगी, मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, वो भी स्टार्ट कर दूंगी. ठीक है.